प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सतवास पहुंचे, जहां जन जागरण एवं घर घर चलो अभियान एवं फसल बीमा के संबंध में पत्रकारों से चर्चा की। राज्यसभा सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह गुरुवार को अपने खंडवा दौरे के दौरान सतवास में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। इस दौरान सिंह के साथ जनपद अध्यक्ष डॉक्टर ओम पटेल, पीसीसी सदस्य मनोज होलानी मौजूद रहे। सिंह ने दौरे के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित जन जागरण अभियान घर चलो घर घर चलो अभियान के संबंध में जानकारी दी। सिंह ने फसल ऋण बीमा के संबंध में सरकार पर आरोप लगाते हुए बीमा वितरण पर सरकार पर कटाक्ष किया। सतवास से जीतू सिंह की रिपोर्ट। में जन जागरण अभियान हमारा चल रहा है और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने जो घर घर चलो अभियान चलाया है, तो दोनों को मिलाकर काफ़ी अच्छा काम यहाँ पे देवास जिले में सतवास इलाके में किया जा रहा है। हम आपको बधाई देते हैं। किसानों की समस्याएं कांग्रेस पार्टी सदैव उठाती रही है। अभी जैसा बताया, कृषि बीमा योजना में भी पहली बात तो 2 साल बाद ये बीमा आ रहा है और जो ब्याज 2 साल का है वो ऊपर किसान पर लग रहा है। दूसरा कम आया है। तीसरा जो बीमा आ भी गया है उसको किसान पैसे से नहीं निकाल पा रहा, उसको होल्ड कर दिया गया है, उनके खाते में जमा करा दिया गया ये लोन। ये पूरे तरीके से निजी कंपनियों को फ़ायदा देने के लिए किया गया है। पूरी योजना निजी कंपनियों को हजारों करोड़ का फायदा दे रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।